मंदिर में लगे दिव्य 84 खंभों का दर्शन करें दोस्तों आप। जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री ब्रज 84 कोस यात्रा करते हुए दोस्तों 84 खंभा मंदिर में आते हैं, तो वह दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप विग्रह को झूला झुलाने का आनंद जरूर प्राप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहा हूं दोस्तों और आपको संपूर्ण दर्शन करा रहा हूं ब्रज 84 कोस का। इस दौरान जो भी भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के लीला स्थली हैं उन सभी के दर्शन करा रहा हूं दोस्तों। और अभी दोस्तों मैं हूं गोकुल में, और गोकुल में दोस्तों इस वक्त मैं जा रहा हूं एक्सप्लोर करने, दर्शन कराने आपको गोकुल का सबसे प्रसिद्ध, सबसे दोस्तों चर्चित मंदिर, जिसका नाम है दोस्तों 84 खंभा मंदिर, या फिर इसे नंद भवन भी कहते हैं दोस्तों। नंद भवन, जिसे 84 खंभा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। और यह दोस्तों नंद बाबा का घर भी है, जहां श्री कृष्ण और बलराम ने अपना बचपन बिताया था और कई आकर्षक लीलाएं भी यहां पर की थी दोस्तों। दोस्तों इन पतली और सुंदर गलियों से होते हुए हम जो है आपको लेकर के चलेंगे 84 खंभा मंदिर के पास और दर्शन कराएंगे, और वहां से जुड़ी हुई जितनी भी दिलचस्प बातें हैं द्वापर युग की सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ब्रज 84 कोस यात्रा के दौरान अभी तक मैंने जिन जिन स्थानों पर आपको लेकर के गया, दर्शन कराया, बता देना चाहता हूँ दोस्तों। उनमें दोस्तों मैं गया हुआ था, सबसे पहले तो दोस्तों हम मथुरा से स्टार्ट किए, इसके बाद वृंदावन गए, वृंदावन के बाद दोस्तों गोवर्धन, गोवर्धन के बाद बरसाना, बरसाना के बाद काम्यवन गए, इसके बाद दोस्तों हम जो है आ चुके हैं गोकुल में। और यहाँ पर दोस्तों जो है मिट्टी के पेड़े मिलते हैं प्रसाद के रूप में, और काफ़ी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं आए हुए हैं। जब दोस्तों आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो बीच रास्ते में दोस्तों पूतना वध मंदिर पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है दोस्तों कि पूतना जो है, पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ का दर्जा दिया दोस्तों। पूतना दोस्तों एक राक्षस के रूप में थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वह चाहती थी कि उसका वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हो, लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी माँ का दर्जा दिया है, और पूतना ने जो है अपना स्तनपान भी भगवान श्री कृष्ण को कराया है, जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं। इस विग्रह में भगवान श्री कृष्ण बगल में जो बैठे हुए हैं और पूतना का स्तनपान कर रहे हैं। पूतना दोस्तों, पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ का दर्जा दिया था दोस्तों, और पूतना की यही ख्वाहिश थी दोस्तों कि उसका जो वध है भगवान श्री कृष्ण के हाथों हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हाथों अगर उसका वध होगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी दोस्तों। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इन सब से आगे बढ़ करके दोस्तों उसे अपनी माँ का दर्जा दिया, पूतना का स्तनपान करके अपनी माँ का दर्जा दिया दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों फाइनली जो है हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ करके, कुछ ऊंचाई पर चढ़ करके दोस्तों हम पहुँच चुके हैं 84 खंभा मंदिर, जिसे नंद भवन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस के जेल में हुआ था, जहाँ पर कंस ने
भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद करके रखा हुआ था। और वहीं उसी जेल में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो उनके पिताजी ने वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को कंस से बचाने के लिए कि कंस कहीं श्री कृष्ण को भी न मार दे, क्योंकि दोस्तों कंस जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे वासुदेव जी को, उन सभी को मारता चला जा रहा था। लेकिन जब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान जो श्री कृष्ण थे वो कोई सामान्य बालक तो थे नहीं। जब उनका जन्म हुआ दोस्तों तो उस टाइम जेल के जो पहरेदार थे वो सभी जो हैं बेहोश हो गए, और जेल की जो गेट था वो ऑटोमेटिक खुल गया। कुछ इस प्रकार की जो है दिव्य चमत्कार हुआ दोस्तों। इसके बाद वासुदेव जी यमुना नदी के रास्ते जो है यहाँ पर लेकर के आए भगवान श्री कृष्ण को, बालक को, अपने बच्चे को यहाँ पर इसी नंद भवन में लेकर के आए। और यहाँ पर दोस्तों ठीक उसी टाइम जो है नंद बाबा के यहाँ एक कन्या का पुत्री का जन्म हुआ था दोस्तों। उस पुत्री को वह उठा कर लेकर के चले जाते हैं वासुदेव जी, और यहाँ पर जो है श्री कृष्ण को रख करके चले जाते हैं दोस्तों। और अभी अभी मैं आपको भगवान शिव के दिव्य दर्शन कराया दोस्तों, भगवान शिव के बड़े दिव्य शिवलिंग के दर्शन कराया, और साथ ही साथ नंदी महाराज के भी आप दर्शन करें। भगवान शिव की कौन सी यहाँ पे दिव्य लीला हुई है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वासुदेव जी यहाँ पर छोड़ करके श्री कृष्ण को चले गए, और इस प्रकार नंद बाबा को और साथ ही साथ यशोदा मैया को जरा भी इस बात का यकीन नहीं हुआ कि हमारी जो जन्मी हुई पुत्री थी उसको वासुदेव जी लेकर के चले गए, बदले में श्री कृष्ण को यहाँ पर छोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर छोड़ करके जब चले गए दोस्तों तो भगवान श्री कृष्ण का जो लालन पालन है यहीं पर हुआ। इसके बाद कुछ दिन तक यहाँ पर नंद बाबा यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर लेकर के रहें। जब इन्हें पता चला कि कंस इनको मारना चाहता है तो वह यहाँ से दूर जो है नंदगांव लेकर के चले गए दोस्तों। सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इस नंद भवन में आप देख सकते हैं 84 खंभा मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच एक वट का वृक्ष सामने देख सकते हैं। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना की चुनरी वगैरह यहाँ पर रंगीन फीते रंगीन धागे वगैरह बांधते हैं दोस्तों। तो 84 खंभा मंदिर के अंदर चलिए प्रवेश करते हैं। इसमें टोटल जो खंभे लगे हुए हैं दोस्तों वो 84 हैं टोटल गिनती में, लेकिन कभी किसी ने एग्जैक्ट संख्या आज तक काउंट नहीं कर पाई है। यही दिव्य महिमा है दोस्तों इस 84 खंभा मंदिर की, इस नंद भवन की, किसी ने भी बड़े से बड़े गणितज्ञ ने भी जो है ठीक से गिनती नहीं कर पाई, या तो खंभे कम हो जाते हैं या तो खंभे बढ़ जाते हैं। यही दिव्यता है दोस्तों इन 84 खंभा मंदिर में लगे हुए 84 खंभों की। दोस्तों इसी स्थान पर श्री कृष्ण और बलराम ने अपना बचपन बिताया था और कई आकर्षक लीलाएं की थी दोस्तों। और इस नंद भवन में दोस्तों 84, ये जो नंद भवन है 84 स्तंभों पर टिका हुआ है, इसलिए यह 84 खंभा के रूप में प्रसिद्ध है। और यह दोस्तों पुराने गोकुल महावन की सबसे आकर्षक और उल्लेखनीय संरचनाओं में से एक है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि नंद भवन भगवान बलराम जी और देवी योग माया का जन्म स्थान है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की जेल में जिस दिन हुआ था उसी टाइम इस स्थान पर यानी कि नंद बाबा के यहाँ एक पुत्री जन्म ली थी दोस्तों, जिसका नाम था योग माया। और उसी पुत्री से रिप्लेस किया था भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने, लेकिन यह बात नंद बाबा और यशोदा मैया को नहीं पता चला दोस्तों। वासुदेव जी जो है भगवान श्री कृष्ण को, अपने बालक को, अपने नवजात शिशु को जो है दोस्तों यमुना नदी के रास्ते से होते हुए बिल्कुल चोरी ही चोरी छिप छिप करके कंस के राक्षसों से, कंस से छिप छिपा करके रातों रात दोस्तों यहाँ पर लेकर के आए और श्री कृष्ण को छोड़ करके यहाँ पर, और योग माया जो पुत्री जन्मी थी दोस्तों उसको उठा करके लेकर के चले गए।
जी हाँ दोस्तों, 84 खंभों का आप जो इसमें लगे हुए स्तंभ हैं दोस्तों, बहुत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है दोस्तों। उसके आप दर्शन करें सबसे पहले। दोस्तों, श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार भी यहीं पर हुआ था। नंद भवन या फिर 84 खंभा छोटी पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती है यहाँ पर आने के लिए, और साथ ही साथ गोकुल की सकरी गलियों में भी चलना होता है दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं, ढेर सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु और तीर्थयात्री आते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप विग्रह को झूला जरूर झुलाते हैं दोस्तों। जिस प्रकार मैया यशोदा, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण के बालक वाली अवस्था में उनको झूला झुलाते थे, उसी प्रकार यहाँ पर जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप को जरूर दोस्तों झूला झुला करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं दोस्तों। दोस्तों, मंदिर की दीवारें, जो नंद भवन की दीवारें हैं, जो 84 खंभा मंदिर की दीवारें हैं, भगवान कृष्ण के बचपन की विभिन्न लीलाओं को दर्शाते चित्रों से सजी हुई हैं। पत्थर के खंभों पर बेहतरीन नक्काशियाँ की गई हैं दोस्तों। इसमें जो लगे हुए 84 खंभे हैं दोस्तों, ये पत्थर के बने हुए हैं, जिन पे बहुत ही खूबसूरत नक्काशियाँ की गई हैं, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ चर्चा का एक दिलचस्प विषय यह है दोस्तों कि मंदिर बिल्कुल 84 स्तंभों पर ही क्यों टिका हुआ है, क्यों 85 नहीं हो गए, क्यों 83 नहीं हो गए। दोस्तों, सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ के अनुसार इस संसार में जीवन की 84 लाख प्रजातियाँ हैं, या कभी कभी इसे 84 लाख योनियाँ भी कहा जाता है, जिसमें आत्मा को कर्म के आधार पर यात्रा करनी होती है। यहाँ संख्या 84 भौतिक संसार में 84 लाख विभिन्न प्रकार के जीवन का प्रतीक है दोस्तों। और मंदिर परिसर में विशाल प्रांगण है और विस्तृत खुली जगह के साथ साथ विशाल गौशाला भी है दोस्तों इस स्थान पर। सभी के दर्शन कराऊंगा आगे, जिनमें सैकड़ों गायों की सेवा की जाती है। और मंदिर के प्रांगण में, जैसा कि मैंने दिखाया, जो कि सामने आप देख भी सकते हैं, एक बड़ा ही विशालकाय बरगद का पेड़ है, जहाँ भक्त सौभाग्य और समृद्धि के लिए इसकी शाखाओं में रंग बिरंगे रिबन बांधते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ काली माँ का भी मंदिर है, जिसके मैं आपको दर्शन भी कराया। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी ही दिव्य लीला हुई है भगवान शिव से संबंधित, वह भी बताऊँगा मैं दोस्तों। वह अनोखी घटना तब हुई जब भगवान शिव सर्वोच्च भगवान विष्णु के 8वें अवतार बाल कृष्ण को देखना चाहते थे, और इस कारण से गोकुल आए हुए थे इसी स्थान पर। लेकिन यशोदा मैया उन्हें पहचान नहीं पाई और कृष्ण को दिखाने से मना कर दिया। तब दोस्तों भगवान शिव भगवान कृष्ण के बाल रूप को देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, और उन्होंने यशोदा मैया से कहा कि अगर उन्हें कृष्ण को देखने की अनुमति नहीं दी गई तो वे यहीं पर समाधि ले लेंगे। एक बार जब कृष्ण को पता चला यह बात कि भगवान शिव स्वयं आनंद भवन आए हुए हैं, तो वे रोने लगे दोस्तों। और अंततः यशोदा मैया मान जाती हैं भगवान शिव की बात और बाल कृष्ण को बाहर ले आई। इस प्रकार गोकुल में हरि और हर का मिलन हुआ है दोस्तों, जगत के रक्षक और संहारक का मिलन हुआ है। जरा कल्पना करें दोस्तों, जब हरि नंद भवन गोकुल में हर से मिले तो कैसा दृश्य रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यही सुंदर लीला इस स्थान पर हुई है। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का सुंदर लीला हुआ है दोस्तों इस स्थान पर। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो मूल नंद भवन का निर्माण 5000 वर्ष पहले देवताओं के वास्तुकार श्री विश्वकर्मा ने किया था, लेकिन मुगल राजा औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान देश भर में मंदिर विध्वंस गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में इस पर भी आक्रमण किया था। फिर बाद में मूल स्तंभों का उपयोग करके नंद महल का पुनर्निर्माण किया गया है दोस्तों। आज भी आप महल की दीवार और दोस्तों, औरंगजेब ने क्यों इस नंद भवन पर 84 खंभा पर आक्रमण किया, क्योंकि दोस्तों द्वापर युद्ध में यह पूरा मंदिर सोने से बना हुआ था, और मुगल शासकों ने मंदिरों को तोड़ करके यहाँ पे जितने भी सोने लगे हुए थे सभी को ले गए अपने साथ दोस्तों।
और इसमें जो 84 खंभे लगे हुए हैं दोस्तों, उस 84 खंभों में कुछ खंभों को काट करके भी जो है औरंगजेब ने चेक किया कि कहीं खंभों के अंदर जो है सोने हीरे जेवरात तो नहीं रखे गए हैं। इस प्रकार का लूट हुआ था दोस्तों मुग़ल शासनकाल में भारतीय मंदिरों में। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो जो भारत के मंदिर थे दोस्तों वह सोनों से, हीरे मोती सोने से जो है तैयार किए गए थे दोस्तों। दोस्तों खंभे जो 84 खंभे हैं, जो 84 खंभा महल है, इसके खंभे इतने चिकने तैली हैं जैसे आप मक्खन और कृष्ण के हाथों को महसूस कर सकते हैं जिन्हें खंभों पर छुआ गया था दोस्तों। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों गोकुल में जो 84 खंभा मंदिर है, इसके अलावा और कौन कौन सी अन्य स्थान है जहां पर आप जा सकते हैं, तो पास में ही दोस्तों है रमन रेती आश्रम, इसके अलावा है दोस्तों ब्रह्मांड घाट, और उसके भी आगे जाएंगे तो आपको चिंताहरण महादेव घाट के भी दर्शन होंगे दोस्तों। और ये सभी स्थान जिनके नाम मैंने अभी अभी नाम लिया, रमन रेती आश्रम, ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण महादेव घाट, ये तीनों के तीनों दोस्तों यमुना नदी के किनारे पर बड़े ही सुंदर तरीके से बसे हुए हैं। तो अभी अभी दोस्तों मैंने आपको 84 खंभा महल, जिसको नंद महल के नाम से भी जाना जाता है, उसका दर्शन कराया। अभी हम चल रहे हैं दोस्तों नंद बाबा के किले की तरफ। यहाँ आने के बाद पता चला है दोस्तों कि नंद बाबा का एक किला भी है, उस किले में ही दोस्तों जो उनकी पुत्री योग माया थी उनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो चलिए उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर योग माया का जन्म हुआ था दोस्तों। मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी है दोस्तों, बता देता हूँ आपको। आप विंध्याचल जाते होंगे, विंध्याचल में दोस्तों जिन देवी के आप दर्शन करते हैं, माता विंध्याचल के दर्शन करते हैं, वह दोस्तों कोई और नहीं, यही योग माया जो नंद बाबा के यहाँ जन्मी थी यही है दोस्तों। हुआ कुछ ये था, अभी दोस्तों हम जो है नंद बाबा के किले की तरफ जा रहे हैं आगे। ये हम लाल रंग का जो आप देख रहे हैं यही किला है, बहुत प्राचीन है दोस्तों, द्वापर युग का ही अभी है, 5500 वर्ष पुराना। यहाँ पर एक कुआं भी है, उसके भी दर्शन कराऊंगा और उस स्थान पर लेकर के जाऊंगा। इस महल के अंदर वह स्थान, इस किले के अंदर वह स्थान भी मौजूद है जहाँ पर दोस्तों योग माया नाम की पुत्री नंद बाबा के यहाँ जन्मी थी दोस्तों। दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि जब वसुदेव जी आए यहाँ पर अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर के, यहाँ पर रख करके बदले में यहाँ पे जो योग माया पुत्री थी उनको उठा करके अपने साथ लेकर के गए दोस्तों। तो जब वहाँ पर लेकर के गए जेल में लेकर के, तो जब कंस को पता चला कि जो वसुदेव का जो नौवां पुत्र है वह जन्मा है लेकिन पुत्री जन्मी है, तो अभी दर्शन करें दोस्तों योग माया के सुंदर विग्रह स्वरूप के दर्शन करें आप। यही वह स्थान है जहाँ पर नंद बाबा की योग माया पुत्री का जन्म हुआ था दोस्तों, इसी स्थान पर, इसी किले में जन्म हुआ था दोस्तों। और किले के चारों तरफ का दृश्य भी दिखाऊंगा, बिल्कुल प्राचीन है दोस्तों। और यहाँ पर एक कुप भी मौजूद है, कुआं भी मौजूद है, ये देखें। और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर एक बिल्कुल टीले पर मौजूद है दोस्तों यह किला। नीचे चल करके दिखाऊंगा कि यह काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर यह किला मौजूद है दोस्तों। तो दोस्तों जब वसुदेव जी यहाँ पर जन्मी पुत्री योग माया को अपने साथ लेकर के जाते हैं जेल में, जब वो रख देते हैं, तो कंस को पता चलता है, जब बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो कंस तुरंत पहुँचता है मारने के लिए। तो उसे पता चला कि ये तो पुत्री जन्मी है, लेकिन कंस को भय था क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारा जो कंस की मृत्यु है वह दोस्तों वसुदेव जी के नौवें पुत्र के हाथों, जो उनकी बहन थी वही वसुदेव जी की पत्नी थी दोस्तों, जिनका नाम देवकी था, वह कंस की ही बहन थी दोस्तों, कि तुम्हारे बहन का जो नौवां पुत्र होगा उसी के हाथों तुम्हारा वध होगा। तो इसी क्रम में जो कंस था वह वसुदेव यानी कि अपनी बहन देवकी के सारे पुत्रों को मारता हुआ चला गया, लेकिन जब नौवां पुत्र श्री कृष्ण के रूप में जन्मा तो वसुदेव जी रातों रात छिप करके यमुना नदी के रास्ते से होते हुए यहाँ पर ला करके नंद बाबा के यहाँ अपने पुत्र को रख देते हैं। और यहाँ पे उसी टाइम जो है योग माया पुत्री नंद बाबा के यहाँ जन्म ली थी दोस्तों, उसको लेकर के चले जाते हैं यहाँ से। और
जेल में ले जा करके अपने साथ रख लेते हैं। और जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी कंस को, तो कंस तुरंत गया मारने के लिए, तो पता चला कि यह तो पुत्री है, पुत्र ने ही जन्म लिया। जैसे ही लेकिन उसको भय था दोस्तों, तो उसने उस पुत्री को भी मारना चाहा, योग माया पुत्री को भी मारना चाहा, लड़की को भी मारना चाहा दोस्तों। तो उसी वक्त जो है योग माया पुत्री अपने विकराल रूप को धारण करके, अपने असली रूप को धारण करके बताती हैं कि तुम जिसको मारने के लिए दौड़े, तुम जिसको मारना चाहते हो, वह तो गोकुल चला गया, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पल रहा है, वहाँ पहुँच गया वह। इतना कहते ही जो योग माया थी दोस्तों, योग माया पुत्री थी, वह तुरंत वहाँ से विलुप्त हो जाती हैं, और विलुप्त होकर के जाकर के विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो जाती हैं दोस्तों, जिसका दर्शन करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। तो विंध्याचल में जिस देवी का आप दर्शन करने जाते हैं दोस्तों, वह कोई और नहीं, यहीं पर नंद बाबा के यहाँ जन्मी योग माया पुत्री हैं दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैंने गोकुल का, नंद बाबा का महल जिसे 84 खंभा मंदिर कहते हैं, के दर्शन कराया, और यहाँ से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण धार्मिक पौराणिक बातें थी उसको मैंने बताया दोस्तों। दोस्तों 84 खंभा मंदिर को थोड़ा देर से एक्सप्लोर किया क्योंकि लगभग काफ़ी दिन हो चुके थे, क्योंकि दोस्तों मैं जो है लेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ काफ़ी दिन पहले ही, ब्रज 84 कोस यात्रा काफ़ी दिन पहले पूरा कर चुका था, लेकिन दोस्तों यही एकमात्र ऐसा स्थान था, यही एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल था दोस्तों ब्रज 84 कोस के अंतर्गत गोकुल का, जो छूटा हुआ था दोस्तों। तो आज मौका मिला है, एक्सप्लोर कर दिया और अभी नीचे आ चुका हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं नंद बाबा का किला, यहाँ से देखें बिल्कुल एक ऊँचे टीले के ऊपर स्थित है दोस्तों। और यहाँ का जो स्थान, यहाँ जो आप बिल्कुल यहाँ पे जो भी है मंदिर वगैरह, जो भी यहाँ का स्थान है, देखने से लग रहा है दोस्तों कि ये रियल में द्वापर युग का है, आज से ठीक 5500 वर्ष पुराने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब धीरे धीरे समाप्त करने की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों ब्रज 84 कोस यात्रा लगभग मेरी संपूर्ण हो चुकी है, अब हम जाएंगे देवभूमि उत्तराखंड, वहाँ के टूरिज़्म को एक्सप्लोर करेंगे।